हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10:30। बाकी आपको एक भाई से मिलाना चाहते हैं, बहुत दूर से मेरे भाई आए हमसे मिलने के लिए। आपने मेरे व्लॉग में अभी तक देखा नहीं है और जल्द ही इन्हें देखेंगे आप। गजब बेइज्जती है। जैद भाई हैं तो इनका हमने ब्लॉग एक शूट कर रखा था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिट करने का भाई। और जैद भाई आज मेरा घर ढूंढी निकाले। आइए जैद भाई, चलिए। जैद भाई बहुत देर से बैठे थे, हम लोगों का वेट कर रहे थे और हम लोग सो रहे थे भाई। पहले एक ऐसे मेरे फैन मिले हैं कि मेरा घर ढूंढ निकाले हैं। आगे चलिए गाइस, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later, जैद भाई आए थे बहुत दूर से हमसे मिलने के लिए और हम सो रहे थे। अम्मी अम्मी से मिले और हमसे भी मिले, हम जब उठे तो जैद भाई आप कुछ बताइए कैसे आए आप। पहले हम मामू के साथ पहले नानी के आए, फिर हम जो है आ गए यहाँ पे। अच्छा। हमें ये भाई ने ब्लॉग बनाया था एक, जिसमें मशीन खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन। अच्छा। वो ब्लॉग से हमें पता चल गया था घर भाई का कहाँ है। अच्छा, जैद भाई का कहने मतलब पहले ये अपने नानी के यहाँ आए, इनका नानी का घर यहीं कहीं पे है, हमें नहीं मालूम है। ये अपने नानी के यहाँ आए और उसके बाद हमने वॉशिंग मशीन का ब्लॉग बनाया था और भी कई सारी चीज़ों का ब्लॉग यहाँ पे बनाया था। तो जैद भाई ढूंढते ढूंढते पता करते करते आज पता ही कर लिए, फाइनली हमारे घर पे आ चुके हैं जैद भाई। बहुत बढ़िया मुन्ना। और जैद भाई अगले व्लॉग में भी आए थे, हम वाला व्लॉग अभी तक डाल नहीं पाए हैं। जैद भाई इतनी दूर से आए, हमें बहुत खुशी हुई और हमारे फैमिली से भी मिले, सबसे मिले, सबको बहुत अच्छा लगा। तो जैद भाई को बहुत बड़ा तोहफा नहीं, बहुत छोटा सा तोहफा देने जा रहे हैं। तो जैद भाई मेरे तरफ से ये रखिए और अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए और अपना स्कूल पढ़ाई करिए। कौन सी क्लास में हैं आप? फिफ्थ में है। तो जैद भाई कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। अरे बस कर भाई। फाइनली गाइस नाश्ता निकल चुका है और आज हमारे नाश्ते के साथ हमारे जैद भाई भी मेरे साथ हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं साथ में। बाकी जफर भाई भी बैठे हैं, जफर भाई भी नाश्ता कर रहे हैं, अम्मा आ चुकी हैं। चलिए भाई नाश्ता करते हैं जैद भाई के साथ और उसके बाद फिर चलते हैं, जैसा भी होता है आपको बताते हैं, व्लॉग में बने रहिएगा। गाइस नाश्ता वगैरह हो चुका है, जैद भाई के साथ हमने नाश्ता कर लिया है, जफर भाई ने भी कर लिया है और अब जैद भाई जा रहे हैं तो हाथ हाथ मिला लेते हैं जैद भाई से। चलिए अल्लाह हाफिज जफर भाई। चलो भाई, चलिए जैद भाई फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। जैद भाई को चलना है हम लोग छोड़ने के लिए, बाकी जैद भाई पीछे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। जैद भाई मजा आ रहा है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैद भाई को छोड़ दिए हैं, चलिए फिर से दोबारा से हाथ मिला लेते हैं, अल्लाह हाफिज, जाइए घर। तो जैद भाई इसी गली में रहते हैं और बहुत दूर से हमसे मिलने के लिए आए थे, इसलिए हमने कहा छोड़ दे जैद भाई को गाड़ी से। फाइनली गाइस आ चुके हैं घर और चल रहे हैं अंदर, जफर भाई भी अंदर चल रहे हैं। चलिए भाई नहा लेते हैं, आज जुमा भी है, उसके बाद आज से मिलते हैं। फाइनली गाइस हम लोगों ने नहा लिया है, जफर भाई ने भी नहा लिया है, तो चलिए फौरन चलते हैं जुमा पढ़ने। और आप देख सकते हैं भाई बहुत तेज बारिश हो रही थी तो अभी बारिश वारिश हो के थोड़ा सा रुकी है, तो अब हम लोग चल रहे हैं फौरन जुमा पढ़ने। बाकी गाड़ी को पोछ ले रहे हैं जफर भाई और अभी हम लोग शायद पैदल ही चले। फाइनली गाइस आ चुके हैं मस्जिद के पास, ये रही सामने मस्जिद भाई, तो चलिए चलते हैं मस्जिद के अंदर, जुमा पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस नमाज पढ़ के निकल आए हम लोग, बाकी देख सकते हैं जफर भाई आ रहे हैं और अब्बा आ रहे हैं। चलिए भाई फटाफट करते हुए चलते हैं घर। चलिए फाइनली गाइस आ चुके हैं सारे लोग घर और ये सामान कुछ लिया है, अंडा दूध दही, तो चलिए चलते हैं भाई अंदर, भूख वूख लगी है बहुत तेजी से। गाइस खाना निकल चुका है, चल रहे हैं खाना खाने भाई, बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। और खाना लगा है भाई दाल चावल और ये है अचार, तो चलिए फटाफट करके खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस खाना वगैरह खा के और थोड़ा आराम करके हम जफर भाई निकल आए बाहर और आ चुके हैं गाड़ी के पास अपने और चल रहे हैं भाई घंटाघर की तरफ। व्लॉग में बने रहिएगा, जो भी कुछ होता है आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। भाई निकल चुके हैं घर से और खाना वाना खा लिया है, बाकी बहुत ज्यादा यार बदन में दर्द थी इसलिए सुबह से कहीं निकले नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, भूख भी थोड़ा कम हो चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है, तो चलिए फाइनली आ चुके हैं घंटे घर के पास और आपको दिखाते हैं सामने का नजारा। ये रहा भाई घंटा घर अपना, यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं घंटा घर का नजारा देखने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं क्या ही गजब मौसम हो रखा है भाई साहब। क्लॉक टावर, और आपको दिखाते हैं क्लॉक टावर किसे कहते हैं, ये देखिए, ये है भाई साहब क्लॉक टावर जिसको हम लोग कहते हैं घंटा घर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। गाइस हम और जफर भाई ऐसे टहल ही रहे थे और अभी समझ में आया एक चीज आपको दिखाने लायक, बाकी आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपके भाई को पता है, बता ही देता हूँ मैं ही, ये रैम्बो है, तो इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।
और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कराइए अपने भाई का। तो गाइस देख सकते हैं छोटा लड़का भारी पड़ गया है इस बड़े लड़के पे। गाइस फाइनली देख सकते हैं कौन सी जगह आपका भाई आ गया है। बाकी आप देख सकते हैं नज़ारा कितना खतरनाक लग रहा है भाई यहाँ का, बहुत ही औसम लग रहा है भाई, बहुत ही एक नंबर लग रहा है। और अभी आपको आगे से भी चल के दिखाते हैं। ये रहे मेरे पीछे जफर भाई, तो जफर भाई अली लोकेशन पे लेकर आए हैं। जफर भाई कैसे पता चल गया तुम्हें? अरे वीडियो में देखी थी भाई हमने, तुमने नहीं देखी तो भाई जफर भाई ने वीडियो में देखी थी, हमने नहीं देखी थी। बाकी यहाँ का लुक देखिए क्या ही जबरदस्त लग रहा है, और इधर फोटो शूट वगैरह भी हो रहा है भाई साहब। बाकी आपको नीचे चल के हम पार्क दिखाते हैं, एक छोटा सा एक पार्क और दिखाई दे रहा है हम लोगों को, सामने बहुत अच्छा नजारा है भाई। और ये देखिए ये पार्क है भाई, यहाँ पे भी लड़के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। अभी आगे का भी आपको सीन दिखाते हैं, यहाँ पे बाइक वगैरह भी बहुत तेजी के साथ चल रही है। भाई साहब जफर भाई चल रहे हैं, आगे का व्यू देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है, और सामने का नजारा आप देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त दिख रहा है भाई, अलग ही व्यू है ये देखिए आप। बाकी यहाँ पे गंदा पानी बहुत ज्यादा आ चुका है देख सकते हैं आप, जबरदस्त। तो भाई देख सकते हैं दीवालों पे क्या ही गजब नाम लिखा है, समद अयान हमजा, अदनान हमजा, रिजवान फराज। तो भाई देख सकते हैं कहीं की दीवार भी नहीं छोड़ते हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग मछली भी मार रहे हैं और अपना शिकार भी कर रहे हैं यहाँ पे भाई, कुछ लोग मार रहे हैं मछली। और ये देख सकते हैं जो ये पिलर गड़ा हुआ है, इसके आगे कोई जा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे खतरा है, ज़्यादा गहरा होगा पानी वानी। बाकी जफर भाई निकल चुके हैं आगे और हमें ये आराम से बचा के चलना पड़ेगा। हम यूं करके चल रहे हैं भाई, देख सकते हैं आप। चलिए भाई चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे भी घूम लिया, घर वालों का भी फोन आ रहा है। जफर भाई बैठ चुके हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जफर भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना ही चाहेंगे ये एक्सरसाइज जो है मोदी जी करते थे इसीलिए हम कर रहे हैं। अच्छा, वरना ना करते। वाह मोदी जी वाह। चलिए भाई मोदी जी ये करते थे तो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं जफर भाई, ये कर रहे हैं और एक हाथ में हेलमेट भी बांधे हैं देख सकते हैं आप। तो चलिए भाई याली भी कुर्सी खाली है, यहाँ पे आपका भाई बैठेगा, यहाँ पे वीडियो तो बना नहीं पाएंगे, बाकी हम भी थोड़ा कर लेते हैं एंजॉय। गाइस देख सकते हैं आप आज दिया भाई का बचपना जाग गया है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो गाइस सारा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कर लिया है। जफर भाई कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया लगा। पूरी तरीके से हम लोग थक चुके हैं और चल रहे हैं धीरे धीरे करते हुए घर। स्टार्ट करो। फाइनली गाइस गाड़ी के पास आ चुके हैं और ये रही आपके भाई की गाड़ी, तो चलिए भाई गाड़ी को मुड़ाते हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं घर और सामने अब्बा बैठे हैं भाई। चलिए चलते हैं चाय वाय पीते हैं हम भी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस आ चुकी है चाय और तली रोटी, और ये है शिरमाल देख सकते हैं, और रस भी आ चुका है। तो चलिए भाई फटाफट करके चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।